अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो ये वैनिटी पे बनाने लगी हूँ। ये वैनिटी ये शीट की बनी हुई है और जब हमने ली तो इसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतनी अच्छी शक्ल थी कि दिल करता था कि सारी वैनिटीज हम यही ले लें। तो ये हमने असदुल्ला होम से ली थी और ये रोका ब्रांड की है, लेकिन इसमें बहुत से मसाइल हैं। अब ये देखें, ये हमें पीछे इसके पानी जाता था, उसकी वजह से हमें ये सिलिकॉन लगवाना पड़ गया। सिलिकॉन की वजह से इसके पीछे सारे वो फंगस जम गई हुई है। उसे मैंने ब्लीच के साथ बहुत सी चीज़ों के साथ साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। और मेड घरों में काम करती हैं, वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं जितना भी कहीं, तो वो इस चीज़ का इतना ख्याल नहीं करते। नीचे पानी भी चला जाता, मैंने बहुत कहा है, और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर काम उसके साथ साथ रह के करूँ। तो ये देखिए, ये सारी इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह ये फूल गई हुई है, और ये इसकी आगे वाला हिस्सा ज़्यादा हो गया और पीछे इस तरह से, ये देखिए, ये दोनों जगहों से, और इतनी रफ सी लगने लग गई है। और अच्छी खासी ये महंगी वैनिटीज़ हैं। ये उस वक्त भी काफ़ी महंगी मिली थी और हमने कहीं देखी नहीं थी, वरना हमें पता होता तो हम कभी भी ये ना लगवाते। तो दूसरी वैनिटीज़ जो हैं वो एक तो इस तरह की बनती है कि नीचे मार्बल की उसकी बेस होती है और ऊपर उसके वो रख लिया जाता है वॉश बेसन, और एक ग्रे नाइट में ही वो वैनिटीज़ बना ली जाती हैं। उसी में वो वॉश बेसन बना देते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनकी सफाई भी बहुत आसान है। ये देखिए, इतनी महंगी आई थी और इतनी बुरी हालत है। प्लास्टिक की भी वैनिटी ना लगवाएं, प्लास्टिक 3-4-5-6 साल बाद उसकी बहुत शक्ल ख़राब हो जाती है, रंग चेंज हो जाता है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। शुरू में बहुत अच्छी लगेंगी, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इनमें से कोई भी ना लगवाएं। और अगर आप घर बना रहे हैं और वैनिटीज़ लगवानी है, तो बेहतर यही है कि आप मार्बल या फिर ग्रेनाइट की उन्हीं में से कोई ले लें। तो हम अभी तो इसी के साथ चल रहा है काम, लेकिन हमने ये चेंज करवा के इसकी जगह पे हम ग्रेनाइट की, जिसमें वो अंदर ही वॉश बेसन बना हुआ था, हमने वही लगवानी है। तो इससे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो बहुत से लोग जो घर बना रहे हैं, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि आपको इससे आइडिया हो जाए कि ये वैनिटीज़ कैसी हैं और इस तरह की आप वैनिटीज़ ना लें। ये असदुल्ला होम्स एक बहुत बड़ा नाम है, हमने उनसे सैनिटरी की चीज़ें भी ली हैं, कुछ चीज़ें उनकी ठीक रही हैं, कुछ नहीं ठीक रही। तो जो उनके पास बड़े वाले ब्रांड हैं उनकी तो ठीक हैं, जो आम चाइना की होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो वो भी मैं आपको किसी वक्त दिखाऊँगी जो हमने उनसे वॉश बेसन और इस तरह की चीज़ें ली हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।